नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्सप्रेस 24। आज हम सिरौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा गाजीपुर में राम प्रकाश त्रिपाठी जी, जो कि मौजूदा प्रधान हैं, उनके पास में आए हुए हैं और ग्राम की समस्याओं को लेकर के, ग्राम में और जो योजनाएं हैं उनको लेकर के कुछ बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार आपका हमारे चैनल। नमस्कार। तो प्रधान जी, आप हमारे चैनल के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो 2 साल का कार्यकाल आपका बीता है, उसमें आपने जनता के लिए क्या क्या किए हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं आपको और अन्य योजनाओं को यहाँ मिलाने में। 2 साल हमारे व्यतीत हो चुके हैं। 2 साल के अंदर हमको जो हमारी भारत सरकार है, उनका मकसद था कायाकल्प, स्कूलों का कायाकल्प कार, पंचायत भवन, जो काम दिए गए मैंने उनको बाखूबी किया है और वो ग्राउंड पर देखे जा सकते हैं। अच्छा, तो आप इसका मतलब है आपने जो है शिक्षा में सुधार कराया है, शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा में सुधार हुआ है, स्कूलों में सुधार हुआ, क्योंकि हमारी न्यू जो है शिक्षा से पढ़ती। जी, वो बात आपकी सही है, लेकिन जैसे कि आप प्रधान जी, आपको पता है कि जनता के लिए कुछ चीज़ें बहुत अनिवार्य होती हैं, रहने के लिए छत, तो जैसे कि आवास विकास योजनाएं जो चल रही हैं सरकार द्वारा, वो योजनाएं आपके ग्राम सभा में कितने लोगों को दी गई आपके द्वारा? लगभग जब से मैं प्रधान बना हूँ 26 कॉलोनी जो घर आए थे जी, हमने पहले दिए हैं जी, और इस बार हमारे 27 थे, उसमें से केवल 7 आवास दिए गए, 20 काट दिए गए। तो इन 20 आवास काटने का क्या रीजन रहा है, क्या कारण रहा है? इसमें कुछ रीजन जो गवर्नमेंट के हमारे जो मैपिंग उनका है कि इसके मुताबिक जो रेशियो उन्होंने अपना चुना है उसके मुताबिक बोला ये सही नहीं पाएंगे। हमारे जो अधिकारी लोग इसको जांच करने के लिए आए और बोले कि ये उस पर खड़ा नहीं है, इसीलिए उनको आवास नहीं दिया गया। अच्छा, आपके ही एक नज़दीकी प्रधान है जो कि सोहन लाल जी, जिनसे हमारी टीम ने अभी जाकर के बातचीत की है, तो उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो आपके वो है सेक्रेटरी है, तो सेक्रेटरी उनकी जो है चीज़ें पास नहीं करा रहे हैं, तो क्या ये सही है? इसके लिए मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो कार्य किया है बाखूबी कार्य किया है, कार्य पास हुआ है और काम ग्राउंड में किया भी गया है, उसको आप लोग देख सकते हो। तो ऐसा लग रहा है जो प्रधान लोग हैं वो कुछ अनुभवहीन हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे से आज तक सिधौली ब्लॉक में कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमारा जो काम है वो जो है 100% मैंने कराया। हाँ, कुछ एक आप जब हमारे पास आप आ गए हो तो मैं अपने ख्याल से जो हमारा अनुभव है वो आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। जैसे कि अभी काम मिला था कि मनरेगा के द्वारा अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाएगा, तो हमारे गांव में बहुत से तालाब हैं, लेकिन क्या है उनके पट्टे हैं। हमारी जिज्ञासा ये है जब अमृत सरोवर बनना है तो पट्टे कैंसिल कराए जाए और निर्माण कराया जाए। दूसरी बात ये देखने में आया है, लोग हमसे कहते हैं कि आप ग्राउंड में आकर कहिए, अब सब सारे सिस्टम ऑनलाइन हैं। मनरेगा से जो काम मिलता है लगभग हर ग्राम पंचायत को बराबर हिस्सेदारी में दिया जाए, सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करवाया जाए तो बेहतर रहेगा और हमारा विकास अच्छा रहेगा। कुछ लोग तो 20-25 लाख रुपए का काम किया, कोई ग्राम सभा के धन नहीं ले। अच्छा, जैसे कि आपके यहाँ लाइटें हैं, हो गई, सड़क हो गई और शौचालय जैसी योजनाएं, इनको लेकर के क्या कितना क्या आपने जो है अभी तक कराया है? शौचालय दे रही है गवर्नमेंट, शौचालय लगभग 30-35 जब से मैं प्रधान बना मिल गए हैं शौचालय। और जो सड़क की बात रही, सड़क तो आप अभी उसी रोड से आए हुए देख रहे हैं, अभी हमारे सुनने में आ रहा है कि इस्टीमेट पड़ी है, ये चौड़ीकरण होगा, बनेगा, बाकी तो कुछ समझ जानकारी पूर्ण रूप से हमें नहीं है, लेकिन ये सड़क बनने वाली बहुत जरूरी है। चलिए प्रधान जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा, और जो कि हमारी टीम के द्वारा आपके ग्राम सभा में आकर के निरीक्षण कराया गया है, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ में लाइव न्यूज़ एक्सप्रेस 24 के साथ में। सुशांत कौशल।